हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर आरबीएक्स टीचर फैमिली। हमारी टीचर फैमिली में भैया सभी का स्वागत है। तो भैया क्या हाल चाल है सभी के? आप सभी के लिए लेके आया हूँ बॉट लॉबी का वीडियो, जो आपको सभी बोलते हैं कि भैया फ्री में कैसे लगा सकते हो आप बॉट लॉबी। बहुत इजी है, बहुत ही इजी। आपको कुछ नहीं करना, कुछ बस देखो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि हाँ आप जल्दी से जल्दी बोलते हैं ना, जल्दी जल्दी बॉट लॉबी लगाओ और भैया कॉन्कर करो भाई जल्दी जल्दी फटाफट से। और उसके लिए आपको क्या चाहिएगा? सबसे पहले एलडी प्लेयर चाहिएगा। इसका एलडी प्लेयर देखो मैं बता देता, एलडी प्लेयर का सबसे पहले एलडी पीएलए प्लेयर 3.97, ये 3.97 वर्जन ही करना, क्योंकि इसी के अंदर क्या बोलते हैं आईडी बैन नहीं होती इसी वर्जन के अंदर। बाकी और अदर वर्जन के अंदर आपका आईडी बैन हो सकता है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। एलडी प्लेयर का ये 3.97 वर्जन है, मैंने ये कर लिया था अभी जस्ट, तो अभी दोबारा से क्या किया जाए वो कैंसिल करते हैं और इसको अपन ये जो डाउनलोड हुआ था अपना 3.97 वर्जन वो इंस्टॉल करते हैं और डायरेक्ट भाई सीधा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कुछ नहीं करना होगा। हाथों हाथ सीधा डायरेक्ट डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना। जब सीधा सीधा प्रोसेस है भाई, कोई ज़्यादा घुमाव नहीं, कोई कुछ नहीं कि आप भैया आप ये करो वो करो। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बॉट लॉबी का कोई फाइल नहीं होता, बॉट लॉबी हमेशा पीसी से ही लगता है। तो किसी के साथ में भी कोई भी स्कैम वगैरह के चक्कर में ना फंसे कि भैया कोई फाइल ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो भैया प्लीज़ इस चीज़ से थोड़ा सा दूर रहें। देखो मैं आपको, और ये स्टार्ट हो चुका है, चलिए फटाफट से ये स्टार्ट हो जाए भाई फटाफट से। देखो और हम डेली नाइट में अंदर डेली लाइव करते हैं 8 बजे। तो भैया अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी दिक्कत हो, तो आप आइए भैया हमसे पूछिए, बातचीत कीजिए भाई। आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको किस तरह से क्या करना होता है, ये कीजिए, और जैसे बॉट लॉबी कैसे लगाते हैं और भी मतलब बहुत सी इन्फॉर्मेशन कि एलडी प्लेयर को रन फास्ट कैसे कराना है और उसके अंदर गेम को आप किस तरह से आप रन करवा सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पर बता दूंगा। और वैसे अगर आपको किसी भी वीडियो पे, अगर किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो भैया ज़रूर से हमको बताइएगा कमेंट के अंदर। तो भाई मैंने इसके अंदर हमको पहले 3 ऐप चाहिए कि टैप टैप और पबजी लाइट का APK एंड एक VPN, क्योंकि VPN के बिना तो वैसे भी नहीं चलेगा। तो उसके बाद में अब मैंने टैप टैप APK से पबजी लाइट डाउनलोड कर लिया भाई फटाफट से VPN। और इसके अंदर आपको एक बात और बतानी है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सीजन 1, 2, 3 का अकाउंट ही वर्क करेगा। सीजन 1, 2, 3 का अकाउंट मतलब जिसके एक सेकेंड जिसके अंदर आपके जैसे क्या बोलते हैं 722 हुआ, 721 हुआ, ऐसे अकाउंट नंबर होते हैं ना। माना कुछ अकाउंट्स ऐसे भी होते हैं जो पबजी लाइट के अंदर सीजन 3 के हैं लेकिन वो बॉट लॉबी अकाउंट भी नहीं है। कुछ ऐसे अकाउंट भी है जो क्या बोलते हैं 722 से है स्टार्ट, बट क्या बोलते हैं उसको, बट वो बॉट लॉबी अकाउंट नहीं है। तब कहीं आप ये देखो कि भैया सीजन 3 का अकाउंट लग भी जाएगा, तो भाई लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आपके पास में रियल जेन्युइन अकाउंट है सीजन 1 या 2 में तो फिक्स है भाई, फिक्स है। और देखना अभी कि मैंने गेम स्टार्ट किया है और ये बॉट लॉबी का अकाउंट स्टार्ट हो रहा है एलडी प्लेयर के 3.97 वर्जन के अंदर। अभी आप अगर इसी अकाउंट को अगर रियल अपन अगर मोबाइल में डिवाइस में लॉगिन करते हैं तो नॉर्मल वैसे ही चलेगा जैसे नॉर्मल गेम चलता, लेकिन इसको अगर पीसी के अंदर अगर इस वर्जन के अंदर अगर अपन इसको लॉगिन करते हैं तो भाई अभी आप खुद देख लीजिएगा, एक नया मैसेज आता है जो क्या बोलते हैं, जो आपके क्या बोलते हैं शायद मोबाइल वाले प्लेयर के वो वाला मैसेज नहीं आता, अदर्स के देख लीजिएगा। अभी एक आपको एक मैसेज दिखाऊंगा, ये क्या हो गया, रीस्टार्ट हो गया शायद ऑटोमेटिक स्टक के कारण। हो जा फटाफट से हो जा, एक सेटिंग देख लेते तब तक, और मैं एक सेटिंग और बता देता। 6 कोर, हाँ CPU इसका हमेशा आपके जितना कोर है उतने का रख लीजिएगा। और यहाँ पे टास्क मैनेजर अगर आप देखना चाहते हो तो भैया कि मेरे को ये मेरा कोर का कैसे पता चलेगा कि मेरा PC कितने कोर का है, तो इसके परफॉर्मेंस में जाइएगा। परफॉर्मेंस में देखो इसके कहाँ गया, ये रहा कोर CORS, यहाँ पे आपके जितने कोर का है ना PC उतने कोर का इसके अंदर दे दीजिएगा यहाँ पे CPU के अंदर। एंड रेम इसका इसमें कम से कम सिलेक्ट करना, मतलब 1536 ये मैक्सिमम होता है कि इसके अंदर अपने को गेम रन फास्ट करवाना होता है, ना कि भाई कि हम कुछ और कर रहे। अभी देखो अभी आपके सामने जस्ट एक मैसेज आया
emulator detected your team and you will only be paired with players using emulator. मतलब ये बोल रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो एमुलेटर के साथ में खेलते हैं उन्हीं के साथ में पेयर कर सकते हो और उन्हीं के साथ में आप गेम खेल सकते हो, ठीक है। तो अपना इसको ओके करते हैं, अभी अभी देख लो, और इसमें फ़र्क कुछ नहीं है। ये भी ये बॉट लॉबी है, पूरा एलडी प्लेयर के 3.97 वर्जन के अंदर वर्क कर रहा है, और देख लीजिए भाई। और इसको चलो हम इसको एक सोलो मैच आपके साथ में लगाते हैं, सोलो के साथ में। चलो आप बोलोगे कि आप बोलोगे भाई सोलो के अंदर, तो चलो तुमने बॉट लॉबी लगा दिया, स्क्वाड के अंदर लगाओ। स्क्वाड के अंदर मैंने ऑटो मैचिंग ऑफ किया, और चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। और आप खुद देख लीजिएगा, थोड़ा सा समय लेता है, और क्योंकि बॉट लॉबी रह गया ना, थोड़ा सा समय लेगा कि हाँ शुरुआत में स्टार्ट होने में समय ले सकता है। और एक चीज़ और, इसके अंदर कोई आईडी बैन का कोई खतरा नहीं होता, कोई कुछ भी जेन्युइन, कोई भी आप आराम से खेल सकते हो। जैसे आप अपने अभी जैसे मैंने ऑटो मैचिंग ऑफ किया, वैसे तीन बंदे और साथ में मोबाइल वाले प्लेयर आके खेल सकते हैं साथ में, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी आपका आईडी बैन नहीं होगा, और कोई भी किसी भी प्रकार की मतलब आप ये सोचो कि भैया मेरा आईडी बैन हो जाएगा, नहीं यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर यार ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप फालतू किसी स्कैम के चक्कर में ना फंसो, तभी मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि अगर आपके पास में भी अकाउंट है तो आप इजी ट्रिक के साथ में आप बॉट लॉबी लगा सकते हो। पर आपके लिए एक पीसी होना मस्ट है, और पीसी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके पास में पीसी नहीं है तो भैया कैसे लगाओगे बॉट लॉबी। कि ये एलडी प्लेयर का वर्जन 3.97 वर्जन जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीसी में वर्क करेगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है ना कोई ऐप है। पहले ही बता देते हैं, ये ऐप नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पीसी के अंदर ही वर्क करेगा। और मैं आपको एक चीज़ दिखा देता, मेरा अकाउंट के आईडी नंबर है 7214712365, मतलब 721 से स्टार्ट है। सीज़न भी दिखा देता हूँ मैं आपको, मेरे कौन से सीज़न का अकाउंट है, ये मेरे सीज़न वन का अकाउंट है। और देख लो भैया सीजन वन के अकाउंट में लग रहा बॉट लॉबी, सीजन वन का अकाउंट है, ये चीज ध्यान रखना। सीजन वन टू थ्री के अंदर भी 722, जैसे 7222 ऐसे नंबर होने चाहिए, ये नहीं है 7229, फिर वो भी शायद वर्क नहीं करता। पर कोई कोई आईडी वर्क कर जाती है, लेकिन 100% नहीं बोलता कि भाई सारी वर्क नहीं करेगी। कुछ आईडीज होती है जो वर्क नहीं करती, हमारे पास भी है कुछ अकाउंट जो वर्क नहीं करते। सीजन थ्री का भी ये 722 अकाउंट भी है, लेकिन वो बॉट लॉबी अकाउंट नहीं है, मैंने वो चेक किए थे। और भैया ये फटाफट से ये स्टार्ट हो जाए तो भाई आपको आप भी भाई कन्फर्म हो जाए कि भैया हाँ सही जा रहे हैं, भाई हम सही राह पे हैं। तो भैया फटाफट से स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है, हो जाओ, लोडिंग। और जिसने भी अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं ठोका है तो भैया आपके भाई ने आपकी मदद करी यार, तो भैया लाइक तो बनता है, और फटाफट से सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। और देख लो भैया आपके सामने भैया जो भी है, देखो एक बंदा है सोलो वर्सेस स्क्वाड स्टार्ट किए थे, और एक बंदा है, बस सिर्फ एक बंदा, और कहाँ पे बंदे भाई, ये क्या है, व्हाट इज दिस बिहेवियर गाइज, What is this behavior? ये देखो ये सारे के सारे पता है ये बॉट है, ये जितने भी आ रहे, सिर्फ एक बंदा है वो उछल रहा जो सामने, बाकी और देखो और भैया सारे के सारे बॉट भाई। इसको अब बॉट लॉबी ही है, अब आप ये बोलोगे भैया कि यार ये कैसे हो सकता है। अपन अगर स्क्वाड के अंदर स्टार्ट करते तो भैया कितने बंदे होते हैं, लेकिन पूरा का पूरा लॉबी खाली है भैया, इसको बोलते हैं प्योर बॉट लॉबी। तो भैया अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भैया वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा, एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर ठोक दीजिएगा भैया, कि शेयर ठोक दो कि भैया एकदम रियल जेन्युइन तरीका आपके सामने लेके आया हूँ। तो भैया चलते हैं, और आपको हमको कमेंट में बताइएगा कि आपको और किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा। फिलहाल चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी ही, तो फिलहाल सभी को टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।